मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आर एस गुप्ता, योर बायोलॉजी टीचर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी, विच इज द लिविंग वर्ल्ड. सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर स्टार्ट करने में हम लोग पहले वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है. लिविंग वर्ल्ड का डेफिनेशन वहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे, और उसमें लिविंग का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग को डिफाइन करते हैं, कौन कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं. देखो, कैरेक्टरिस्टिक दो तरह के होते हैं, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में कोई एक्सेप्शन नहीं होता. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे कि लिविंग का डेफिनेशन क्या होता है. लिविंग का डेफिनेशन क्या होता है, तो पहला लिविंग, द डेफिनेशन ऑफ लिविंग, it is expression of complex and unique organization of molecules in the form of growth, reproduction, adaptation, etc. This is the definition of life, the living. लिविंग का क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है. सबसे पहले एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं. यहाँ पे इट इज़ द एक्सप्रेशन, जो लिविंग स्टेट होता है, जो लाइफ होता है, वो एक्सप्रेशन है कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि जो हमारे पास, जो हमें लाइफ जो हमारा है और जो हमारा एक लिविंग स्टेट है, वो लिविंग स्टेट और लाइफ एक कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन है. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक यूनिक पैटर्न में और एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अरेंज होते हैं, और उन्हीं का एक्सप्रेशन क्या है, लाइफ, यानी कि द लिविंग स्टेट. इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एडाप्टेशन, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जिनमें ये जो कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्सप्रेशन शो करता है, और उस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि कोई जो बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो सबसे पहले डेफिनेशन, हम लिविंग स्टेट को या लाइफ को बहुत कम वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते. ये एक कोशिश है कि कुछ बहुत सारे जो उसके स्पेक्ट्रम है, उनको हम यहाँ पे एक साथ कंपाइल कर सकें. तो लिविंग का ये एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैंने दिया है. नेक्स्ट हम डायरेक्टली नाउ इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. हमने डेफिनेशन को देखा, डेफिनेशन में हमने बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स के मतलब समझे. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. लिविंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. नाउ अगर हम लोग कैरेक्टर काउंट करना स्टार्ट करें, तो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग स्टूडेंट उसका रिप्लाई करेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर. तो एक एक कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे पहले एक लिस्ट पूरा तैयार करते हैं, और उस कैरेक्टर को एक एक करके हम फिर डिस्कशन में लेंगे. पहला जो हमारे पास जो कैरेक्टर सबसे पहले आता है, वो आता है डेफिनेट शेप एंड साइज. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर डेफिनेट शेप एंड साइज होता है. मतलब क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज डेफिनेट होता है. यहाँ पे हम एक एक करके इसको इसके साथ डिस्कशन में भी लेके चलेंगे. जैसे शेप एंड साइज की जब बात करते हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट शेप
एंड साइज विथ, ये इंपॉर्टेंट है, विथ अ नैरो रेंज ऑफ चेंजेस, नैरो रेंज ऑफ चेंजेस। ध्यान से समझना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज डेफिनेट होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शेप एंड साइज डेफिनेट होता है, लेकिन उस डेफिनेट शेप एंड साइज के साथ एक छोटा सा रेंज, एक बहुत नैरो रेंज, बहुत पतला रेंज एक होता है चेंज का, मतलब पॉसिबिलिटी होती है चेंजेस की। और यही जो पॉसिबिलिटी चेंजेस की होती है, उस चेंजेस की पॉसिबिलिटी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मॉर्फस कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? मॉर्फस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू टू दिस नैरो रेंज ऑफ चेंज, ड्यू टू दिस नैरो रेंज ऑफ चेंज चेंज इन शेप एंड साइज द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज मॉर्फस, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज मॉर्फस। लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक वर्ड यूज करते हैं मॉर्फस। बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस में आपने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो लार्वा होता है लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेज में डेवलपमेंट होता है और एक लार्वा कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। तो मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसका एक टाइप आपने वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस पढ़ा होगा। तो जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज फिक्स होता है, मतलब शेप एंड साइज होता है वो फिक्स होता है, एक वहाँ पे कॉन्स्टेंट शेप एंड साइज होता है, जिसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी चेंज की होती है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नैरो रेंज ऑफ चेंज पॉसिबिलिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मॉर्फस कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखना पड़ेगा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉर्फस क्यों कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो अगर हम यहाँ पे लिविंग की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमको नॉन लिविंग की भी बात करनी पड़ेगी, इन नॉन लिविंग दिस पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इज एब्सेंट। ये जो शेप एंड साइज की चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है नॉन लिविंग में एब्सेंट है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नॉन लिविंग है और उसका जो शेप एंड साइज है वो लगभग कांस्टेंट बना हुआ है। एक डेस्क है, डेस्क नॉन लिविंग है, एक मार्कर है, मार्कर नॉन लिविंग है, तो उसका शेप एंड साइज क्या है वो नॉन चेंजेबल है, वो चेंज नहीं होता है। तो जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें ये जो चेंज, नैरो रेंज ऑफ चेंज की जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी एब्सेंट होती है। इसलिए जो नॉन लिविंग होते हैं हेंस दे आर टर्म्ड एज अमॉर्फस, उनको हम क्या कहते हैं? अमॉर्फस कहते हैं। जिनमें चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? अमॉर्फस कहते हैं। तो ये एक कैरेक्टर लिविंग का हम लोगों ने यहाँ पे लेके चला कि जो डेफिनेट शेप एंड साइज की बात होती है वो डेफिनेट शेप एंड साइज में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शेप एंड साइज तो जो होता है वो डेफिनेट होता है, लेकिन उसमें एक चेंज की पॉसिबिलिटी होती है जिसकी वजह से उनको हम मॉर्फस भी कहते हैं। और जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? अमॉर्फस कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे इसके शेप एंड साइज के बाद हम यहाँ पे इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। जो दूसरा कैरेक्टर है वो दूसरा कैरेक्टर क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कैरेक्टर हम क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टर में लिविंग के हम दूसरा कैरेक्टर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा जो कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर, वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
को हम लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने जो नाइन्थ क्लास से सेल पढ़ना स्टार्ट किया था, उस नाइन्थ क्लास में सेल्स के बाद हमने टिश्यू पढ़ा था, टिश्यू के बाद ऑर्गन पढ़ा था, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बॉडी किसी एक मटेरियल से नहीं बनी है, वो बॉडी के बहुत सारे यूनिट हैं, उन बहुत सारे यूनिट के बहुत सारे सब यूनिट हैं। जैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन से मिलके बना है, ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलके बना है, और टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। तो लेबल यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे छोटे 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 कंपोनेंट को मिला के बहुत एक बड़े बड़े रेंज का जो वहाँ पे हम लोग बॉडी या बहुत बड़े रेंज का वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सेटअप करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी है, ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी करैक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बातें यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब देखोगे तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो वहाँ पे तुमको सेल दिखेगा। ये जो सेल्स के ग्रुप होंगे ये टिश्यू बनाएंगे, इतना तो पता है हमको। और ये जो टिश्यू होंगे ये ऑर्गन बनाएंगे, ये जो ऑर्गन होंगे ये ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ऑर्गन सिस्टम जो होगा वो ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ऑर्गेनिज्म, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात छोड़ दें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात छोड़ दें, तो वहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमको एक डेफिनेट पैटर्न में देखने को यहाँ पे मिलता है। और तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक पैटर्न वाइज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। इस वजह से जो लिविंग बीइंग होते हैं, जितने भी लिविंग होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड हम यूज करते हैं, जिस वर्ड को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। और लिविंग बीइंग जो होते हैं, जो लिविंग बॉडी होती है, वो ऑर्गेनिज्म क्यों कहलाती है? ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी। ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम, जो लिविंग बीइंग होते हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सेल एंड, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ इट, प्रोडक्ट ऑफ इट एट वेरियस लेवल, एट वेरियस लेवल। ध्यान से समझना कि जो बॉडी है वो बॉडी में ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, उस बॉडी में ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। वो ऑर्गेनाइजेशन बना किससे? या तो सेल से, या सेल के जितने भी प्रोडक्ट हैं। अब जैसे सेल का प्रोडक्ट क्या है? टिश्यू है। सेल का प्रोडक्ट क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन, सेल का प्रोडक्ट क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। सेल का प्रोडक्ट क्या है? ऑर्गेनिज्म है। तो बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी या तो सेल से या सेल के प्रोडक्ट से बनी है। और इसी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी की प्रेजेंस की वजह से हम इस लिविंग बीइंग को, या जितने भी लिविंग बॉडीज होती हैं उन लिविंग बॉडीज को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उन लिविंग बॉडीज को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको, इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। Due to presence of body organization in the form of cell and product of it at various level, the living being are termed as organism. हम लिविंग बींग्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पहले वाले कैरेक्टर हमने मॉर्फस अमॉर्फस का मतलब समझा, अब यहाँ पे हमने लिविंग बींग को ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं वो यहाँ पे हमने समझा, क्योंकि लिविंग बींग जितने भी होते हैं उनके बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी होती है। किसकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी? सेल और सेल के प्रोडक्ट की। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है लिविंग की, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से सुनना।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है थर्ड प्रॉपर्टी लिविंग की, थर्ड कैरेक्टर, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब 10th क्लास तक हमको लगभग एक समझ में आता है। 10th क्लास के अगर परस्पेक्टिव में बात करें तो हमको ये समझ में आता है कि जो ग्रोथ है उसी का साइनोनिम है क्या? डेवलपमेंट। लेकिन जब हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th क्लास में बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंसिडर करेंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी, ग्रोथ जो होता है एक अलग चीज़ है और डेवलपमेंट जो है वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों चीज़ों को हम अलग अलग डिफाइन करके और यहाँ पर उसका प्रेजेंस देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज होता है और वो इरिवर्सिबल चेंज उनके बॉडी में होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रोथ जो होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। और ये इरिवर्सिबल चेंज क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। जो साइज है उसके ऑर्गेनिज्म के बॉडी का या उसके किसी पार्ट का जो साइज है वो बढ़ता है, जो इंक्रीज होता है। और ऐसा नहीं कि इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज हो जाता है। इरिवर्सिबल वर्ड मैंने यूज किया। इरिवर्सिबल का मतलब कि हम उसको बढ़ा के घटा नहीं सकते या घटा के बढ़ा नहीं सकते। तो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल चेंज इन द बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी या उसके बॉडी के किसी पार्ट में जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। जो ग्रोथ होता है वो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी या उसके किसी एक पार्ट में। अब उसको थोड़ा सा हम डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। क्या जैसे ग्रोथ मैंने यहाँ पे जब लिखा तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आती है कि हमने कहा कि इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज, ये पहली कंडीशन है ग्रोथ का। ग्रोथ का पहला कंडीशन क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। अब ये इरिवर्सिबल चेंज है तो इरिवर्सिबल चेंज को क्या हम परमानेंट मान सकते हैं? इरिवर्सिबल चेंज को परमानेंट मान सकते हैं? तो पहली बात कि जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल चेंज है, और अगर इरिवर्सिबल है तो परमानेंट है। इरिवर्सिबल है तो परमानेंट है। तो हम यहाँ पे ग्रोथ को क्या मान रहे हैं? इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज। हम यहाँ पे क्या मानेंगे? इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज। और ये चेंज होगा कहाँ पे? या तो बॉडी में या बॉडी के पार्ट में। बॉडी में या फिर बॉडी के पार्ट में, किसी बॉडी में या बॉडी के पार्ट में। देखो चैप्टर पढ़ते टाइम सिर्फ सारे के सारे पर्सपेक्टिव एक ह्यूमन या एक एनिमल के बारे में मत सोचना। जैसे प्लांट होते हैं तो प्लांट की बॉडी या उसके किसी पार्ट में ग्रोथ होता है। अब ये ना सोचना कि ह्यूमन है, ह्यूमन का कहीं हैंड में ग्रोथ हो गया, लेग में ग्रोथ हो गया, तो ये सब चीज़ें वो कंडीशनल है, वो हम आगे चल के कंडीशन में उसको देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ग्रोथ का डेफिनेशन हमने क्या लिखा कि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज इन द बॉडी और बॉडी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी और उसके पार्ट में इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज होता है। ये चेंज के पीछे रीजन क्या है? ये चेंज हुआ क्यों? ये चेंज इसलिए हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन ड्राई वेट। इंक्रीज इन ड्राई वेट, ड्राई वेट जो ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो वेट है। ड्राई वेट को हम थोड़ा सा और डिटेल में जब आने वाले यूनिट्स में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। जैसे अगर हमारा जो वेट है बॉडी का, उस वेट से अगर हम वाटर का वेट वहाँ से एक्सक्लूड करते हैं तो जो वेट बचता है उसको हम ड्राई वेट कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के वेट में ड्राई वेट का बढ़ना, दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। सेल का नंबर बढ़ जाना, पहला तो ड्राई वेट बढ़ गया तो ग्रोथ होगा। जो सेल का नंबर है वो, अगर सेल का जो नंबर है वो सेल का नंबर अगर बढ़ जाता है तो ग्रोथ होता है। तीसरा जो ग्रोथ का, जो हम ग्रोथ को जो हम देखते हैं वो ग्रोथ है इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास। तो सिंपल सी बात है, ग्रोथ का जो ग्रोथ जहाँ जहाँ पे जिस परस्पेक्टिव में होता है वो कौन कौन सा है? या तो ग्रोथ होगा तो ड्राई वेट बढ़ गया, ग्रोथ होगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, ग्रोथ हो गया तो मास ऑफ द बॉडी बढ़ गया। तो ये जो
डेवलपमेंट है, ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ बॉडी के अंदर इरिवर्सिबल एंड परमानेंट अगर है, और या तो बॉडी के किसी पार्ट में इरिवर्सिबल एंड परमानेंट फॉर्म में, अगर ये तीनों के तीनों परस्पेक्टिव में अगर ग्रोथ होता है, तो उसको हम यहाँ पे ग्रोथ के फॉर्म में समझ में वो हमको आता है। सिंपल सा मतलब समझना, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट चेंज इन द बॉडी और बॉडी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये किस फॉर्म में होता है? इंक्रीज इन ड्राइविट बढ़ गया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, इंक्रीज इन मास बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट। इसी के साथ हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, डेवलपमेंट के अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड हैं। डेवलपमेंट को अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो हमको तीन चीज़ें समझ में आती हैं कि डेवलपमेंट इज सम टोटल ऑफ, सबसे पहले ग्रोथ हुआ, मास बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, ड्राई वेट बढ़ गया, ये ग्रोथ हुआ। और इस ग्रोथ के बाद जो डिफरेंशिएशन हुआ, क्या डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? मान लो नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, अब ये नंबर ऑफ सेल जो हैं वो बॉडी के किस पार्ट में बढ़े, नंबर ऑफ सेल जो हैं वो जो नए सेल जो बढ़े हैं वो नए सेल का फंक्शन क्या होगा, उनका डिफरेंशिएशन करके हम किस पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में या किस फंक्शन के लिए उनको हम उन सेल्स को हम अलॉट कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन। तो जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, और एक टर्म और यूज करते हैं मॉर्फोजेनेसिस। जैसे समझना है यहाँ पे, इन तीनों चीज़ों को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। मान लो एक लार्वा था, लार्वा का बॉडी वेट मान लो 10 ग्राम था, ड्राई वेट क्या था? 10 ग्राम। जब इसका बॉडी वेट बढ़ा, तो जब बॉडी वेट बढ़ेगा तो जो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, बॉडी वेट बढ़ा, ड्राई वेट बढ़ा, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो उन सेल्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में उनको डिफरेंशिएशन, मतलब जो नए सेल बन रहे हैं उनको हम डिफरेंशिएट करके उनको एक फंक्शन अलॉट करके हम नए टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, नए टिश्यूज के बाद नए ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने क्या किया कि जब वहाँ पे ग्रोथ हुआ तो ग्रोथ ने रिजल्ट किया किसमें? डिफरेंशिएशन में, नए नए टिश्यूज, नए नए ऑर्गन के फॉर्मेशन में। तो लार्वा से जब एडल्ट बनता है तो पहली बात कि जो ऑर्गन या जो स्ट्रक्चर लार्वल स्टेज में नहीं है, वो लार्वल स्टेज में जो ऑर्गन या स्ट्रक्चर नहीं है वो स्ट्रक्चर अगर एडल्ट में है तो यानी कि वो स्ट्रक्चर नए बने हैं, यानी कि वो किसके रिजल्ट हैं? ग्रोथ के। और ग्रोथ के बाद किसका रिजल्ट है? डिफरेंशिएशन का। ग्रोथ के बाद किसका रिजल्ट है? वो डिफरेंशिएशन का। तो मान लो एक ऑर्गन कोई लार्वा में प्रेजेंट था, अब्सेंट था, वो एडल्ट में प्रेजेंट है, यानी कि वो ऑर्गन नया बना है, और वो किसका रिजल्ट है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन का। अच्छा, जो लार्वा है, ये लार्वा आफ्टर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, नए स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन और ग्रोथ के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो गई, और इसी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेसिस। तो तीन बातें मुझे समझ में आती हैं यहाँ पे कि डेवलपमेंट में तीन चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस। ग्रोथ जो होगा वो ड्राई वेट, नंबर ऑफ सेल या बॉडी मास के फॉर्म में होगा। ये ग्रोथ जो होगा ये बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंशिएशन में या फॉर्मेशन में, नए टिश्यूज के फॉर्मेशन में, नए ऑर्गन के फॉर्मेशन में, नए नए स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, वो जो सेल्स या जो वेट होगा या जो ग्रोथ हुआ है वो डिफरेंशिएट होगा, और इस डिफरेंशिएशन की वजह से वहाँ पे चेंजेज आएंगे जिनको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। तो ये बात समझ में आती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का डेफिनेशन समझ में आया। अब समझते हैं यहाँ पे एक एक चीज़ और। अब ये जो ग्रोथ टर्म है इसको हम अपने इसी 11th क्लास में जब हम 15th चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स यहाँ पे हमको ज़रूरी है क्योंकि इसको डिस्कशन में लेना है। ग्रोथ जो है वो प्लांट के केस में अलग बिहेवियर शो करता है, प्लांट के केस में ग्रोथ जो है वो अलग बिहेवियर शो करता है, एनिमल के केस में ग्रोथ जो है वो अलग बिहेवियर शो करता है। कैसे? समझते हैं। आपने जब 9th क्लास में टिशू पढ़ा होगा
तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा कि प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। प्लांट के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांट के अंदर। और मेरिस्टमैटिक टिश्यू का काम क्या होता है भाई? मेरिस्टमैटिक टिश्यू का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू? जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू हैं वो सेल्स, नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेरिस्टमैटिक क्यों है? क्योंकि उनके अंदर डिवाइडिंग नेचर है, नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिवाइडिंग नेचर उनको मेरिस्टमैटिक कहा गया। तो चूंकि ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्लांट के अंदर बाय बर्थ टू सेंसकेंस तक, बर्थ से लेकर डेथ तक प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है वो? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जो ग्रोथ है वो क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नाउ चूंकि एनिमल के अंदर मेरिस्टमैटिक टिश्यू जैसी कोई चीज नहीं होती है, एनिमल्स के अंदर मेरिस्टमैटिक टिश्यू जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो टर्मिनेटेड टाइप का होता है। जो टर्मिनेटेड टाइप का मतलब क्या है कि वो एक डेफिनेट ग्रोथ होता है उसका। एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होगा वो एक लाइफ स्टेज तक, एक पर्टिकुलर लाइफ एज तक उसका ग्रोथ होगा, उसके बाद फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद जो वहाँ पे जो चेंजेज होंगे वो फॉर द पर्पज ऑफ हीलिंग, अगर मान लो कहीं चोट लग गया या फिर बॉडी के किसी पार्ट से कोई मसल्स कट के निकल गया, तो वहाँ पे उसको हील करने के लिए, वहाँ पे रिफॉर्म करने के लिए, या बॉडी के अंदर जैसे लीवर सेल है उसके अंदर रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे सेल्स डाई ऑफ होते हैं, वहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो वहाँ पे उसकी सेडिंग होती है, तो वहाँ पे सेल्स, नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिर्फ ये प्रोसेस एनिमल के अंदर होता है, ऐसा नहीं कि एनिमल का हाइट जो लाइफ लॉन्ग बढ़ता रहेगा, एनिमल के अंदर जो उसका विड्थ है वो लाइफ लॉन्ग बढ़ता रहेगा, तो एनिमल के अंदर इस तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता लाइफ लॉन्ग, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू। बात समझ में आ गई? तो ग्रोथ के दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे समझ में आए, प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एनिमल के अंदर जो ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं। ये बात मैंने क्यों बताया आपको? ये बात मैंने इसलिए बताया कि जैसे अगर आप पूरे लाइफ लॉन्ग ग्रोथ की बात करते हो, अगर आप ये कहते हो कि जब तक ग्रोथ होगा, ग्रोथ इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो अगर आप ये कहते हो कि ग्रोथ इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके अंदर ग्रोथ लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है तो उसके अंदर ग्रोथ लाइफ लॉन्ग नहीं होगा। इसलिए जो ग्रोथ है वो एक लिविंग का कैरेक्टर है, ग्रोथ जो है लिविंग का कैरेक्टर है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि अगर एनिमल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रहा है तो डेफिनेटली वो लिविंग होगा, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि वो लिविंग नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो इसलिए हम ग्रोथ को जनरली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान के चलते हैं लिविंग का। नाउ एक और पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमको देखना है, क्या जो ग्रोथ होता है इसके दो टाइप होते हैं? ग्रोथ जो होता है इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप? एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, और इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं एक्रीशन, इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं एक्रीशन। और एक होता है इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है? एक ग्रोथ, एक टर्म होता है इंटरनल ग्रोथ। तो दो टाइप के ग्रोथ हैं, या तो ग्रोथ एक्सटर्नली होगा या तो ग्रोथ इंटरनली होगा। दोनों का मतलब समझते हैं। जैसे कि मान लो कि एक, अगर कहीं पे डिजर्ट में चले जाओ तो डिजर्ट में क्या होता है कि कहीं पे मान लो कि एक रेत का माउंटेन बना, रेत का माउंटेन बना, मान लो ये एक लैंड है, लैंड पे तुम यहां से जा रहे हो, ठीक है, लैंड पे यहाँ जा रहे हो, तो आज तुमने यहाँ पे देखा कि एक रेत का, एक सैंड का यहाँ पे माउंटेन बना हुआ था, ठीक है। दो दिन, तीन दिन, चार दिन बाद जब आओगे तो देखोगे कि यहाँ पे जो माउंटेन तुम देख के गए थे वो माउंटेन क्या हो चुका है, यहाँ से वैनिश आउट हो चुका है, और एक माउंटेन यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, यहाँ पे माउंटेन क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे जब देखोगे कि क्या हुआ कि जो ग्रोथ हुआ, ये ग्रोथ क्या हुआ कि यहाँ पे पहले सैंड था, इसके ऊपर और सैंड आया, इसके ऊपर और सैंड का लेयर बनता गया, सैंड का लेयर बनता गया, सैंड का लेयर ऐसे आके यहाँ पे हवा विंड की वजह से यहाँ पे सैंड का लेयर बनता गया और ये यहाँ पे एक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ, क्योंकि जो डिपोजिशन ऑफ मटेरियल है वो एक्सटर्नल सर्फेस पे हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्रीशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा,
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होता है? इंटरनल होता है। जैसे मान लो अगर मैं ये कहता हूँ कि हाइट बढ़ी, मैंने ये कहा कि किसी एनिमल की हाइट बढ़ी, तो ऐसा नहीं हुआ कि जब उसका जन्म हुआ तो सिर्फ फिट था, फिट के ऊपर लेग आया, लेग के ऊपर जो थाइज हैं वो आए, थाइज के ऊपर जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है वो आया, फिर जाके हेड आया। इस तरह का ग्रोथ एनिमल में नहीं होता। एनिमल में कैसा ग्रोथ होता है? जब एनिमल का बर्थ हुआ तो उसके पास हेड भी था, उसके पास नेक भी था, एब्डोमिन रीजन भी था, थोरेसिस रीजन भी था, लेग भी था। अब क्या होगा कि जब इसके अंदर ग्रोथ होगा तो इंटरनली नए नए सेल का फॉर्मेशन होगा और सेल डेवलप होंगे, एक्सटेंड होंगे, तो बॉडी के हर एक पार्ट का इनलार्जमेंट होगा, उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ होगा। तो जो डिपोजिशन ऑफ मटेरियल है या डिपोजिशन ऑफ जो सेल है, वो डिपोजिशन ऑफ सेल कहाँ पे हो रहा है? इंटरनली हो रहा है, वो इंटरनल साइड में हो रहा है, अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर, मांस के, मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर, वहाँ पे डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ सेल्स हो रहा है, नए नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? इंटरनल ग्रोथ। और जो ये ग्रोथ आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग्स में देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ग्रोथ। तो दो चीजें यहां पे समझना। मैंने सबसे पहले ये कहा कि ग्रोथ इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग बट नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, दोनों उस बात का मतलब मैंने समझाया था। लेकिन जब हम यहां पे ग्रोथ के साथ एक वर्ड ऐड करेंगे इंटरनल ग्रोथ, तो दिस इंटरनल ग्रोथ इज बोथ कैरेक्टर एंड डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सिर्फ इंटरनल ग्रोथ होता है, तो इसलिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल ग्रोथ हो रहा है तो इंटरनल ग्रोथ की वजह से, या किसी बॉडी के अंदर अगर इंटरनल ग्रोथ हो रहा है तो वो बॉडी क्या होगी? लिविंग होगी। अगर उसके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है तो वो बॉडी क्या होगी? नॉन लिविंग होगी। तो एक बार ये क्वेश्चन, इसके पहले नीट में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, नीट नहीं, जब AIPMT जैसा AIPMT के नाम से जब एग्जाम होता था तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग, कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन में वहां पे पहला जो ऑप्शन था वो था मेटाबॉलिज्म, दूसरा जो ऑप्शन था वो था कॉन्शियसनेस, थर्ड जो ऑप्शन था वहां पे था इंटरनल ग्रोथ, और फोर्थ जो ऑप्शन था वो फोर्थ ऑप्शन